आज हम आपको 15 नए हेल्थ टिप्स बताएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। नंबर एक, जब आप रसोई में जाते हैं तो नाक में थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाएं, इससे सिर और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। नंबर दो, करेला, मेथी और मूली जैसी कड़वी सब्जियां भी खाएं, इससे आपका रक्त शुद्ध रहेगा। नंबर तीन, मटके का ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिए, ऐसा करने से आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। नंबर चार, प्लास्टिक और एल्युमिनियम के बर्तन रसोई से हटा दें क्योंकि ये दोनों कैंसर के बड़े कारक होते हैं। नंबर पाँच, माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करने से बचें, ठंडी चीज़ें कम से कम खाने से पेट और दांत को नुकसान हो सकता है। नंबर छः, बाहर का खाना खाने से बचें, आप खाने से संबंधित ग्रुप से जुड़कर घर पर खाना बना सकते हैं। नंबर सात, तली हुई चीज़ें कम खाएं, इससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा और एसिडिटी कम होगी। नंबर आठ, मैदा, बेसन, छोले, राजमा और उड़द की दाल कम खाएं, ऐसा करके आप गैस से बच सकते हैं। नंबर नौ, अदरक और अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं, ये गैस और शरीर के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। कलौंजी वाले अचार से बचें, ये हानिकारक होता है। नंबर दस, पानी का फिल्टर या आरओ पानी को हानिकारक बना सकते हैं, यूवी वाले पानी का प्रयोग करें। नंबर 11, रात को आधा चम्मच त्रिफला को एक चम्मच पानी में डालकर रखें, सुबह इस पानी से आंखें धोएं, चश्मा उतर सकता है। बचा हुआ पाउडर फिर एक बार गिलास पानी में डालकर रखें और रात को पिए, इससे पेट साफ होगा और आपके रोग भी कम हो सकते हैं। नंबर 12, सुबह रसोई में चप्पल ना पहने, शुद्धता और एक्यूप्रेशर दोनों को ही ध्यान में रखें। रात को भिगोए गए आधा चम्मच कच्चा जीरा खाली पेट चबा कर खाएं, इससे आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। नंबर 13, एक्यूप्रेशर वाले पैरामिड प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खाना बनाने की आदत बना लें, यह सभी बीमारियों को दूर कर सकती है। नंबर 14, दिन में चौथाई चम्मच दालचीनी का उपयोग किसी भी रूप में करें, इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 15, नींबू के चौथाई टुकड़े में हल्दी, नमक और फिटकरी मिलाकर दांतों को मलने से कोई भी दांतों की बीमारी नहीं होती। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपके सवाल या सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे और कैसे हम बेहतरीन टिप्स प्रस्तुत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही घंटी आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप हमारे नए टिप्स और वीडियोस से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद। जय गुरुजी।